शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्सक्यूज मी, दिस इज भावना भट्ट। अरे अभी नहीं भाई, बाबा बिजी है। भद्रेश भैया वो डॉक्टर लग रहे हैं। जी जी, मैं डॉक्टर त्रिपाठी, आर्थोपेडिक सर्जन। अरे आओ आओ, इधर आओ मैन। आइए आइए प्लीज, जल्दी आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मारो ना मुरलीधर ओझा। ए ओ हीरो, फॉर्म बाद में वहां भरो, चलो जाओ। फिर भी टेक ओवर, जाओ जाओ जल्दी। आई आई इनके कितने बच्चे हैं? एक। जरा अपना हाथ दिखाइए मिसेस भट्ट। ये आपका हाथ देख के आपको भविष्य बताएंगे क्या? आप ये पेन किलर लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पानी लगे। डॉक्टर साहब, मुफ्त का सैंपल है क्या? जी जी। डॉक्टर साहब, ओहो हमारी कमर में भी बहुत दिनों से दर्द रहे हुए हैं। ठीक हो गया। लगने लगने को और। देखिए आप रिलैक्स कीजिए, ये दवा खा करके आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको यहाँ भेजा किसने? जी यहाँ बैठकर थोड़ी देर पहले जिसके नाम का जयजयकार कर रहे थे ना, उन्होंने। जी मैं किसी घोटाला फैमिली के रिक्वेस्ट पे यहाँ होम विजिट पर आया हूँ। नहीं नहीं वर्षा, हम क्यों भागे? हमने क्या गलत किया है? पर वसंत, उस खुफिया एजेंसी ने हमारा पता ढूंढ निकाला तो हम यहाँ से गायब हो गए हैं। ये जानने के बाद खुफिया एजेंसी वाले कॉलोनी वालों का जीना हराम कर देंगे। वर्षा, जाने अनजाने में हमने कॉलोनी वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, और अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कॉलोनी वालों के साथ रहकर उनकी हिफाजत करें। हाँ, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और अगर जाना ही है तो हम सीधे अपने ग्रह जाएंगे ना, यहां वहां छुपते क्यों रहे? ग्रह पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम इस खुफिया एजेंसी को संदेश भेजेंगे कि हम हमारे ग्रह पहुंच चुके हैं, ताकि ये खुफिया एजेंसी इन बेचारे कॉलोनी वालों को तो कोई तकलीफ ना दे। पर वसंत, स्पेसशिप आने तक हम करेंगे क्या? हाँ, जो कुछ भी हमें ले जाना था उसकी पैकिंग भी हो चुकी है, अब तो हमें नुसरत ही नुसरत है। इसको भेजते हैं खुफिया एजेंसी पे। वो क्या कर रहा है, दो दिन में एजेंसी बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। नुसरत ही नुसरत क्या होता है, फुर्सत ही फुर्सत है। ऐसे बोलू, नुसरत साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब तो बहुत बड़े गायक थे, महान गायक। ये एक मशहूर कवाली थी, हाँ। स्कूल में टीचर चिल्लाती ना बच्चों को, ऐसे वो कभी कभी ऐसे लगता था, वो जो बीच में जो आलाप लेते थे ना, कि नसीबा नसीबा तू मम्मी पागल हो गया, करके बंद करो पढ़ाई को, करके बंद करो पढ़ाई को। क्या कर रहे हैं आप वसंत? पापा एक बार और, एक बार और एक मिनट, हम फुर्सत से बैठने वाले नहीं है। शरद, ऐना से जाके कह दो कि शुक्रवार को हम उनके साथ लंच करने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा भैया। क्यों? क्योंकि ऐना फिर से कुछ बुरा भला बोल देगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उससे फिर से झगड़ा कर बैठूंगा, और ऐना से झगड़ा करके मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है भैया। ताना मारकर मुझे भी खुशी नहीं होती है शरण। एंजल की बात पे मैं अभी भी नाराज हूं,
लेकिन आंटी भावना के लिए आपने डॉक्टर भेजा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फ्राइडे लंच के लिए अगर आप सब हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब तो हंसो पुत्तू। आने दो पॉपकॉर्न, ऐसे उठने दो। हेलो बावरे बंजारा होटल, पहचाना मारे को? नहीं, कौन है आप? अरे मुरलीधर ओझा। कौन मुरलीधर ओझा? ऊंचा लंबा कद, ऐसे तो 50 लोग। हैंडसम फिल्म स्टार जैसा। अमित जी, सनशाइन कॉलोनी की शान। अरे कौन सी सनशाइन कॉलोनी, किधर है वो? होमर किंग, लीला अरुण। अच्छा वो सब जाने दो। देखो मारी बात सुनो, मारे को 15 लोगों का टेबल बुक करना है। अंकल ओझा, एक मिनट। हाँ भाई, कल दोपहर 1 बजे 15 लोगों के लिए टेबल बुक करना है। लोग आए तो, नहीं तो? नहीं तो क्या? तब आएंगे, आएंगे। हाँ भाई। अंकल ओझा मेरा बात सुनो, इस टाइम का होटल का बिल बद्रेश को ही पे करने को मांगता है मैन। के, 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 के हुआ? मैंने ऐसे ही दोस्ती खाते में बद्रेश को बोला कि इस बार का बिल मैं पे करेगा, तुरंत ओके बोल दिया मैन। छा जा बेशरम बद्रेश, मारी तरह थोड़ी। रानी तू रहने दे, मारे को बिल पे करने दे, ऐसी फॉर्मेलिटी भी ना की। तो आप कैसे जेब में हाथ डालते 5 मिनट तक ये दिखाने के लिए कि आप पैसा ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं किया? ना रोनी, वो तो मैं सचमुच ढूंढता हूँ, पर ये है कि मारी मारवाड़ी जेब भरी है ना। तो प्लीज अब मेरी बात सुनिए। मैंने बद्रेश को हवा दिया कि कल बिल कौन भरेगा उसका वास्ते बिल का वो बा। अरे अपना रमेश का 2 बेटी का नाम क्या है? नीला अमी। हाँ, कल बिल कौन भरेगा उसके वास्ते बिल का नीला अमी होगा। नीलामी? हाँ, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा बिल भरने का चांस। अच्छा, के बोला वो काईया गुजराती बद्रे? वो बोला कि वो बोली 10,000 तक बोलती रहेगा। 10,000 तक? हाँ, और ये भी बोला कि अंकल ओझा अपने ईगो में मारे को ऐसे करके 11,000 तक बोली बोलेंगे। अच्छा? हाँ, और जैसे ही आप 11,000 बोलेंगे वो 10,000 पे अटक जाएगा। अच्छा, राती लोमड़ी बद्रे। अंकल ओझा, अब प्लान सुनिए। आप 9,500 तक बोली बोलना। बद्रेश 10,000 बोलेगा, आप रुक जाना, फंसेगा बद्रेश। ठीक है? ठीक है। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इन चारों को। शट अप। पहली बात तो वो 4 नहीं 5 हैं। यू आर राइट सर, लेकिन वहां पे 4 थे और मैंने। सबूत लाइयो। जी सर, मैंने इनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की और मैंने इन्हें लोड भी कर दिया, ये देखिए। अभी आएगा सर, अभी आएगा। ये है सर, इसके पीछे देखिए सर। वो तो जाओ जाओ, उसको कहो प्लीज प्लीज बाजू हटो, आपके पीछे के लिए ना, हमें देखना है उसे। एजेंट एक्स, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो 5 शातिर एलियंस कहां हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। ओए काके, अपनी है ना पावरेज संभाल के रखो। हाँ संभाल के रखो पावरेज। ओहो वीर जी, कितने बार समझाओ आपको, एक हुआ तो पावरिस, ज्यादा हुए तो पावरसिस। अरे वो
सीख जाऊंगा ओए काके धीरे धीरे, तू है ना, हाँ he is a very good teacher. अच्छा अब मुंबई के तौर तरीके सीख लो. ना बाबूजी ना, आपने बहुत सिखा दिया, अब आप आराम कीजिए, मैं सिखा दूंगा. यस यस, बास्टिंग फास्टिंग. मुंबई में लोग धक्का मारने से पहले एक्सक्यूज मी और धक्का मारने के बाद सॉरी सॉरी कहते हैं. लग गई लॉटरी, अब तो बहुत सारी सुनना पड़ेगा. ओए शेरू रानी, कोई कुएं में धक्का मारने पे सॉरी नहीं कहते. वो तो जब गलती से धक्का लग जाता है ना तब कहते हैं सॉरी, या छींकने पर, या खांसने पर, या वो डकार देने पर. लेकिन बाबूजी डकार लेने पे सॉरी क्यों? ओए काके सुना तूने? नहीं. क्या सवाल पूछा, किसी के दिमाग में नहीं आया. ये दिमाग है कि क्या है, चूमने का मन कर. गले मिलो है तो मुझसे आगे जाएगा. बाबूजी ना, पागल बाबूजी. अच्छा सुन, तूने सवाल पूछा है तो क्या है. वैसे तो डकार मारने पर बाबूजी रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से रोटी मिली है. सही गले जी. हाँ तो फिर अब जैसा देश वैसा भेस. अब देखो हम जब यहाँ गली में से निकलते हैं और कहते हैं ओ बल्लू बाजी कैसे हो और ऐसे डकार देते तो थोड़ी हम सॉरी थोड़ी कहते हैं. सही गल है बाबू जी. वो तो आ जाती है भाई, वो तो नेचुरल्स है. चलो अभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू करो. मुंबई जाकर घूमना फिरना तो एक बहाना है, वहां जाके हमें क्या हासिल करना है ये मत भूलना. इसीलिए कह रहा हूं अपने अपने पावर से संभाल के रखना. मिलकर प्लानिंग्स करते हैं. ओए काके कैसी है अंग्रेजी? ओहो वेरी गुड सुवीर जी, वेरी गुड. यू सेड इट इंग्लिश वेरी वेल. ओए शरा रानी, ओए क्या ओए. हां मम्मी देख हम लोग बंबई जा रहे हैं तो ये सब्जी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तू रख ले. अरे शेरू नहीं 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 नहीं. अरे रख ना, 55 रुपया दे देना. क्या 55 रुपए? वाह जी वाह, एक तो तेरा सामान लू ऊपर से तुझे 55 रुपए दू. अब समझ में आई, गांव के मुखिया बिल्कुल सही कहते हैं कि गांव की सबसे अजीब फैमिली है बेबी पंजाबी की फैमिली. ये रख तेरा सामान. तेरा ससुर दूसरी सांस ले आए. अरे ठंड रख बेबे, ठंड रख. तेरे परांदे से रेशम झड़े और कुत्ती जा तेरी तंदूरी मुर्गी उड़ जाए. रख बेबे, पकी हुई तंदूरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है. मेरी रानी, ओए देख तू ऐसा करेगी ना तो बंबई के लोगों को भी लगेगा कि हमारी फैमिली बड़ी अजीब है और फिर हम जो है हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे. तू ठहरी औरत जात है. पता है मेरे बाबूजी क्या कहा करते थे? याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे? लेकिन यूरो ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से हमारी मंजिल हमसे दूर चली जाए. बस समझ गए? देखा? यस सर, लेकिन दिल्ली के हमारे एजेंट नहीं है. हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है. सुना नहीं, वो खुद मुंबई आ रहे हैं. शुक्रवार दोपहर 1 बजे अंधेरी शॉपिंग सेंटर के सामने उनकी बस रुकी और हम इन्हें बहका कर ट्रैप करके यहां लेकर आए. मतलब हम जिनके हमशक्ल है वो मुंबई आ रहे हैं और ये खुफिया इंसान उन बेचारों को पकड़ने वाले हैं. पापा मम्मी सारे चाचा शिशी, क्या क्या पापा आपको पता है मैंने क्या सुना? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ तुमने सुना नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है. तेरे इश्तियार नहीं सुनने अभी. नहीं पापा. एक मिनट, हमें बावरे बंजारे पंजाबी होटल में जाना है खाना खाने, तो थोड़ी पंजाबी सीख लो. लेकिन पापा पंजाबी तो क्या ये कर रहे हो? पंजाबी सीखो. आती है पंजाबी किसी को? नहीं आती है. शिशिर देख, ये देखिए
शेरो, ओ शेरो, चल चल छेती कर। ओए बंबई जाने से पहले रब को याद करते हैं। चलो ये टोनी जो है अभी तक दांत ही तोड़ रहा है पहलवान। टोनी चलो आए। आया बाबूजी आया, बस एक ही दांत बचा है। ओ काके, ओ बाजी, ओ सत्रिय काल है। हाथ पकड़ बेटा। अरे अलीजा मुरली भाई, हेलो हेलो, एक बजे की बुकिंग है, होटल पहुंचते पहुंचते ही डेढ़ बज जाएंगे। फिक्र मत कीजिए बा, मैंने अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी है, एक बजे पहुंच जाएंगे। तेरी किटे था था। अच्छा तो तेरी घड़ी तीन घंटे पीछे कर देती तो हम दस बजे पहुंच जाते। बा होटल दस बजे बंद होती, हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता, होटल ग्यारह बजे खुलती है। आप भी ना कुछ सोच समझ के बोला करिए बा। सॉरी हाँ छकुड़ी। बा आप छोटी छोटी बातों पे सॉरी मत बोला करिए, गलती किस इंसान से नहीं होती है, है ना? हाँ बाबा से हुई है ना। डाला दोस्त का तपला पप्पा पे, डाइसा से जाए नहीं अने गांडीन सिखा मोड़ा पे। अबे ओ बड़बड़, जाके घोटालों को बाहर निकाल, उल्टे घूम के हाफ राउंड कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे क्या बाबा? आबा आजकल तो बहुत मेहनत करवाती है मुझसे, फ्रिज खोल के गजरा निकालना पड़ा। थक गया होगा है ना? तो ये ले चकुड़ी, गजरा डाल दे। पर भाई ये तो अच्छा है, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। कचरे में डालने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे सर में डाल दे। एक ही तो बात है, कचरे में डालो या आपके सर में। तो बराबर। तो काका मुरली होटल के लिए तैयार? एकदम बिल्कुल तुम्हारी तरह, सुबह से खाने की एक भी चीज को दिन का पहला है भाई। अरे भाई बोल ले। ओ रैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। हाँ खाने की एक भी चीज को नहीं चूहा। ओहो हाँ तो वसूल करेंगे ना होटल में, बिल मैं जो भरने वाला हूँ। अरे जा जा, तू क्या बिल भरेगा? बिल की तो नीलामी होने वाली है, सबसे ऊंची बोली मैं लगाऊंगा मैं। ओ काका मुरली चैलेंज देता हूँ इस बात पे चैलेंज, मुझसे ज्यादा बोली बोल के तो दिखाओ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, दिखी तो नहीं तो फालतू बात बाद में। घोटाला कंपनी अंदर बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो आइए आइए। हुआ शिशि घोटाला, आइए आइए। ओहो जाने के लिए आइए बैठ, आइए 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 बोलो। बैठिए ना। अरे बैठिए ना भाई, बैठो भाई बैठो। अरे बोलो पापा। सीट में आप लोगों से कुछ कहना है। बोलो। बैठिए ना। अरे बैठिए। हाँ भैया बैठो भाई बैठो। आप लोगों से कुछ कहना है। अभी रेस्टोरेंट जाने से पहले क्या जरूरी बात बोलने का है मैन? रानी कंट्रोल। अभी रेस्टोरेंट जाने के टाइम पे तुमको क्या बोलने का है मैन? हाँ फिर से कोई घोटाला तो नहीं किया ना? ताजा ताजा। ओ गॉड अब ये मत बोलना कि तुम लंच पे आने को नहीं सकता है। 15 लोगों के लिए टेबल बुक करवाया है। हाँ और कुर्सी भी। धा। चकुड़ी टेबल बुक करवाया है तो साथ में कुर्सी भी देंगे ही ना, कि ऐसा बोलेंगे खड़े खड़े खा लो खाना। तो बराबर।
हाँ बुफेट नहीं है, बुफेट है ही नहीं। हाँ वो अलग करता है। Excuse me, Badresh bhai, it's not buffet. Buffet, उसे buffet कहते हैं। और अलग करते तो बिल्कुल भी नहीं आए। It's अलग है। बिना फन फैक्ट का मेरी ग्राउंड चालू हो गया है। कुछ करो। हे मारे मारवाड़ी में जीमन कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। याद है? इन लोगों ने हमें यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है। हाँ। तो हम इन्हें बोलने दे। ए बोलो मैं। थैंक यू। तीन चार दिन पहले सूर्यनगर में एक इमरजेंसी हो गई है, तो हमारी वहां पर जरूरत आ पड़ी है। कैसा इमरजेंसी मैन? आग वाग लग गई होगी तो बुझाने के लिए बुलाया होगा है ना चकुड़ी? आग लगी होगी तो इनके आने तक वो लोग राह देखेंगे कि गोटला आके आग बुझाएंगे, तब तक हाथ सेक लेते हैं। इमरजेंसी क्या हुआ मैन? वहां पे वो इसमें भी अटकता है मैन। आई एम लेस हंग्री को हिंदी में क्या बोलता है? भूख कम हाय। हाँ वहां पे भूख कम आया है। दिस इज इलीगल। भूख कम का भूख कम हाय। दीदी घुसो घुसो। लास्ट वार्निंग, सब लोग चुप। हाँ, हुए तो होना पड़ेगा। बैठिए, आप बोलिए मिस्टर घोटाला। थैंक यू वंस अगेन। वहां कुछ निजी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ दिनों बाद हम वापस जा रहे हैं। इसलिए दो तीन दिनों से हम अपने आप में उलझे हुए थे, वरना एंजल बिटिया की खुशी में शरीक होने के लिए हम तो भागे भागे चले आते। हमारी एंजल भगवान की दया से ठीक होने लग गई, लेकिन तुम में से कोई उसे देखने तक नहीं आया। कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? बट आई थिंक अपने निजी प्रॉब्लम्स के अलावा तुम्हें और किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए हर बात पे जैसे तुम लोग घूम जाते हो ना, वैसे दूसरों के घर में खुशियां आई तो तुम सब घूम गए। सब लोग मिलकर एंजल के अच्छे होने की खुशियां मना रहे और आप सब यहाँ पर एक्चुअली बैठकर रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना ऐसे मत कहो ना, हमारे रोने की वजह जाने बिना तुम। हाँ हमने हमारे प्रॉब्लम्स बुलाकर आपकी खुशियों में आपका साथ नहीं दिया, इसलिए प्लीज आप हम सबको सिकंदर कर दीजिएगा। क्षमा कीजिए, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। सिकंदर, वो क्षमा का सरनेम सिकंदर है, लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलता, और हमें क्षमा मांगनी है। क्षमा नहीं हो, क्षमा सिकंदर। कल अगर वर्षा बोलेगी कि मैंने माथे पर गोस्वामी लगा लिया है, कानों में योगिता पहन ली है, हाथों में रणावत है और पैरों में रोहतगी है, कैसे चलेगा? क्या नहीं मतलब मैंने माथे पर बिंदिया गोस्वामी लगाई है, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? हाथों में कंगना रणावत है, हेलो पायल रोहित वसन। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें आप क्षमा कर दीजिए और जाने से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको देना चाहते हैं, चाहते कि आप वो कबूल करें। भवन आंटी आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है ना? हाँ वो चकुड़ी ने उसमें बर्तन धो दिए थे। हाँ तो माँ आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी आज बाई नहीं आएगी, तो वॉशिंग मशीन चला देना और बर्तन धो देना, और हर बार की तरह मतलब आपने बाद में समझाया बा। तो अगर आप बुरा ना माने तो ये वॉशिंग मशीन आप रख लें। नए जैसा ही है और
अभी तो वो कपड़ों में से वो दही की खुशबू भी नहीं आती। याद है ना आपको, आप लोग सब पहली बार यहाँ आए थे खाना खाने। आप माना कि हमने खाना परोसने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। सीरियसली ये सब क्या है मैन? बोले आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, जलेबी, कुल्फी, कलकत्ता सादा पान और जीरा गोली भी है उसके। लेकिन ये सब ऐसे एक साथ कोई मिक्स करके सर्व करता है क्या? लाजो आंटी, ये कड़छी आपको पसंद आ गई थी ना, तो वैसे वो थाली, टोप, ग्लास, कटोरी, वो छोटे छोटे चम्मच भी बहुत चोखे थे। दिया तो नहीं तो रोनी, वीजा, आप दोनों के एनिवर्सरी का ड्रेस हमने खराब कर दिया था। हाँ मिस्टर घोटाला, क्यों ना ये ड्रेस तुम बुफे टेबल पे लगा दे, उस पे चिपके ला ये डाल, मेहमान को बोलते वो खा ले। मिस्टर डिसोजा, दाल कैसे खाएंगे मेहमान? प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो चम्मच से कुरेद कुरेद कर मेहमान खा भी लेंगे। हैं? अरे लेकिन इतनी कम दाल, 40-50 मेहमान आने वाले हैं, कम नहीं पड़ेगी। जाते जाते वो गलती भी हम सुधारना चाहते हैं। लीजा, सॉरी, आपने तो मेरे को वो रोते रोते भी अटकता है मैं। वो डॉग बॉकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ते का भौंक। मिस्टर घोटाला, आपने तो मेरे को भौंक कर दिया मैं। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बेटा भावुक। भावुक तो हम सबको भी कर दिया। का बाबा? बाबा जाना जरूरी है। एक मिनट भैया, प्लीज।
शायद कैंसिल कर दे। भैया रुक जाते हैं ना प्लीज। नहीं शरद, नहीं रुक सकते। चल पत्थर वाले भगवान, उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें, इनको हम सब तुम्हारे वाले सौंप के जाना चाहते। तुम इनका ख्याल रखोगे ना? तो ये सारा सामान हम पैक करके आपके घर भेज देंगे। मानने को ही नहीं हो रहा है मैं, ये घोटालों ने तो मेरा पैर का नीचे से पूरा वो शर्म करो मैन। शर्म आता है वो वर्ड नहीं आ रहा है। वो सुपरस्टार साउथ इंडियन एक्टर का नाम क्या है? जयसूर्या। जयसूर्या क्रिकेटर है मैन, मैं एक्टर बोला। एक तो वो शिवाजी गणेशन और दूसरा वो जमीनी। हाँ ये घोटालों ने तो हमारा पैर का नीचे से जमीनी खिसका लिया। आंटी बाप ना पुलिस बोला। नहीं नहीं, दिस इज टू मच। जमीनी खिसक लिया का जमीनी खिसक लिया? हाँ कोई बोलता नहीं इसके लिए, तुम कुछ भी बोलता है मैन। सब लोग समझाना यार। मारे को लगता है वो बेचारे हमसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। रहा तो कहीं नहीं लाजो का की नथिंग। मेरे भैरू की मंजू मासी वो तो अपने पति को छुपा रही थी, बोलो। अरे बाबा वो तो इसलिए क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, गहने चुरा के भागा था मंजू का पति। अरे बोलो मैं। अरे भाई देखो हमारी बात मानो, हमारे को लागे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है इन घोटालों ने। हमारी तेज मारवाड़ी नजर ने इनका डर देख लिया था। क्या हुआ मैन? भाभी वो लोग चुपचाप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे और मैंने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ हाँ, पर उन बेचारों के खिलाफ थारे मन में उल्टी सीधी बात भरी किसने? था कौन वो काइया? मैं अभी उन्हें जाके सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं नहीं, हम सब जाके उनको सॉरी बोलेगा, लेकिन एक स्पेशल अंदाज में। एंजल, ये लोग तो उनकी मदद करने की बजाय उनको सॉरी बोलने में बिजी हो गए। अरे पर पता ही ना हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हो जाइए बड़े, हो जाइए आप भी सीनियर सिटीजन बन जाइए। मैं और एंजल बच्चे ही बने रहेंगे, है ना एंजल? एंजल, टीवी पे कौन सी खबर बार बार आ रही है? यही कि शायद पांचवी लेन पहचाने जा चुके हैं। हाँ, और उनके इंसानी चेहरे भी सामने आ चुके हैं और एक खुफिया एजेंसी उनको पकड़ने का प्लान बना रही है। हाँ, इसीलिए बेचारे परेशान हैं। एंजल, अब मैंने उस खुफिया एजेंसी का प्लान चौपट नहीं कर दिया तो लालच है मितेश भैया आप पर। We'll be right back.
सिटी शॉपिंग मॉल, इसी के सामने आकर रुकेगी उनकी बस। मैंने कंफर्म कर लिया है सर, उनकी बस लुधियाना से कोटा और कोटा से मुंबई आते वक्त यहीं पर रुकेगी, करीब 12:30 to 1 o'clock के बीच में। एजेंट क्यू? यस सर। सलवार कमीज में उस लड़की को देख रहे हो? कौन सी सर, वो लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली आंटी, तुम्हें लड़की दिख रही है? सर वो भी सलवार कमीज में थी तो। तो तुम सलवार कमीज देख रहे हो, चकल चूरा देखो ना। सॉरी सर मैं ड्यूटी पे। सॉरी सर। एजेंट एक्स, वो लड़की एलियंस यानी कि बेबी सिंह पंजाबी की फैमिली को रिसीव करने आई है। यस सर, लड़की का नाम है प्रीति शेरावत, वो ट्रैवल एजेंट के यहाँ से आई है, वो उन एलियंस को किसी होटल तक छोड़ेगी जहाँ पर कोई टैलेंट शो का मैनेजर उनसे मिलने आएगा। टैलेंट शो कौन सा, कहाँ होने वाला है, उसके डिटेल्स मैं शाम तक पता कर लूंगी सर। नहीं, पता करने की कोई जरूरत नहीं, हम उस टैलेंट शो के कर्मचारी बनकर उन एलियंस को ले जाएंगे वहीं से डायरेक्ट, समझे? अरे ये घोटाला कहाँ रह गया मैन, अरे तुम लोग क्या करता है मैन? बस 2 मिनट। हे करके रुक गया मैन, अब क्या मांगा? वो उनकी लकड़ी की नेम प्लेट। अरे पर उस पर तो उनका नाम लिखा है ना। हाँ, उल्टा करके मारा नाम लिख दूंगा। लुच्चे लोभिए हो लोभिए, उनके बाथरूम में साबुन की टिकिया भी होगी, वो भी ले लेते। देखो मैन, ये 3 बार हंस के अटक गया। Jesus Christ, oh my God! अच्छा अच्छा, okay okay. वो बेचारे शायद। शायद नहीं, पक्का। ऐसे फैंसी होटल में वो लोग कभी नहीं गए। हाँ, इसलिए लोचा मारने का फुल चांस है लीजा। आंटी भावना मैन, हो सकता है घोटाला के साथ रेस्टोरेंट में ये पहला और आखिरी लंच होएगा। आज उनको अपना सरनेम जितना रोशन करने का है करने दो। उनका सरनेम रोशन है? आंटी भावना टेक ओवर। अरे वो तो करेंगे ही, जब मैंने घोटालों से कहा कि कल हम पंजाबी खाना खाने चलेंगे तो वर्षा बोली, ओझा अंकल पंजाबी तो पहनते हैं ना। रॉनी प्लीज बी सीरियस, आज उनको सब माफ है। हाँ, और अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग चलेगा चलेगा करके सब माफ कर देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है भाई। इस दुकान में 70% ऑफ। वाह, ये दुकान के 70% लोग ऑफ हो गए। चौकड़ी, 70% लोग मर नहीं गए, 70% डिस्काउंट है। तोवर वर्षा घोटाला भाई, हेलो हेलो। अरे बासु हेलो हेलो, अरे मैग्नेट और किचन जैसी फालतू चीजें मिलती है। हाँ तो पड़ोसियों के बर्थडे पे गिफ्ट विफ्ट देने के काम आएगी ना। चकुड़ी, मैं स्टार्टर की बात कर रही हूँ। तो बराबर, हेलो हेलो हेलो, दुकान में घुसते हेलो जल्दी। ये रोनी और लीजा को गाड़ी पार्क करने में कितना टाइम। हेलो घोटालो, हेलो अहमद का क्या? पापा
देखा। फिर शुरू हो गई तुम? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन पांचों को अंदर जाते हुए देखा। नॉनसेंस, बस अब तक आई नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत शातिर है, हमें झांसा देने के लिए बस में आने का नाटक कर रहे, जबकि वो लोग आ चुके हैं। अगर झांसा देना होता तो कहीं और जाते ना, यहाँ क्यों आते? सर उनका गेम प्लान क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग आ चुके हैं सर, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे पर यहाँ पर सर एजेंट क्यों है ना, वो नजर रखेगा, अब चलिए ना। ओके चल। हेलो हेलो, क्या हुआ? चले ठीक है, तुम वहां ढूंढो, मैं यहां देखता हूं। चल चल जाने ना पाए, चलो जल्दी चलो। पापा उस दुकान में आई लव मुंबई की कितनी प्यारी टी शर्ट मिल रही है, हम 333 के लिए ले लेते हैं ना। नहीं बेटा, 333 के दो सर है ना, वो कौन से सर से पहने की टी शर्ट? हाँ, वैसे घर से मैं सारा सामान लेके आई हूँ, सिर्फ भाभी भाभी वहाँ 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 ही दुकान है, वहाँ पे वो पक्का दही मिल जाएगी। चलिए अच्छा सुनो, आज कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हमें इस होटल में चार चांद लगाने हैं। देख कपड़े, लीजा के लिए टॉप एकदम हाई क्लास है। भाई साहब कितने का ये? 750। और पुतले के बगैर? चकुड़ी, ये लोग पुतले के साथ नहीं बेच रहे। तो बराबर, और बेचते भी तो कोई पुतला क्यों खरीदेगा गुजराती बहुरानी? काका मुरली, कपड़े सुखाने का कितना अच्छा स्थान बनेगा, ऐसे धुले हुए कपड़े पुतले को पहना दो। ओ भाई साहब, देने का भाव बोलन। मैडम 2500 का सा, ये 70% वो देखो, 70% ऑफ है, इसके लिए 750 है। चल चल अबे, 50 में दे दे। 50 मतलब 150? नहीं मैडम। अच्छा ना तेरा ना मेरा, 350, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। वो लोग एजेंट एक्स? सर वो लोग इसी तरफ घुसे थे। तो कहाँ गए? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। ये तुम्हारा वहम है एजेंट एक्स, वहम। उनकी बस तो पंजाब से यहाँ तक आई नहीं है अब तक। सॉरी सर, वो मैं तो अच्छा हो कि एजेंट क्यों आ रहे बस स्टैंड के पास? नहीं सर, खत आपके पीछे ही था, आप ही के साथ साथ अंदर चला है। तुम हमारे पीछे
यू फूल, चलो यहां से, चलो। वो रे, जाओ जाओ। मैडम मैडम मैडम, आपने इन पांचों को कहीं देखा है क्या? अरे इन्हें तो रिसीव करने आई थी मैं, पर वो तो शॉपिंग मॉल के अंदर गए ना। नहीं नहीं, ये तो उतरते ही घूमने चले गए। सुना तुमने? तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अब मैम, आप उन्हें होटल पहुंचाने वाली थी ना, कहाँ की है बुकिंग्स? वो मैं उनको दिखाने वाली थी कि उनको कहाँ रहना है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दे दूँ, वो अपने रहने की जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में ना ये गवार लोग क्या क्या करते थे पता नहीं। चलो, ये गवार यहाँ है। हाँ। क्या तुम्हें तो कोई गांव में भी नहीं रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों फैल जाओ और अगले 5 मिनट के अंदर मुझे उस फैमिली का सारा अता पता चाहिए, समझे? यस सर। जाओ। जब तक वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं तब तक हम वो हमारी तैयारियां करते हैं। शेरो, हाँ जी, बहुत भूख लगी यार, खाने का कुछ इंतजाम कर। चलो चलो। हाँ रह गए मैन। अरे किधर था तुम इतने टाइम? अरे वो पावना भाभी सेल का पार्टिया देखा कि घुस गई अंदर। आपने कुछ नहीं खरीदा? लीजा, हम लोग खाना खाने आए कि शॉपिंग करने? ओ मुरली भाई, लो आगे। अरे मुरली भाई, हम क्या आपके मजदूर है? ये लो आपका ये कुर्ता, चप्पल और लाजो के पैकेट और ये बाकी का सामान। हाँ। आंटी भावना मैन, आपने कुछ नहीं खरीदा? लिया लिया, एक मिनट। हाँ लीजा, तेरे लिए ये टॉप, और रॉनी ये तेरे लिए आई लव मुंबई का टी शर्ट। वेलकम टू पावरे बंजारे। वेलकम, आप लोग सनशाइन कॉलोनी से है ना? आपका टेबल ये है। मुरलीधर ओझा के नाम से टेबल बुक किया है। अच्छा, आप है ना मुरलीधर ओझा? नहीं, ये नहीं है, मैं हूँ मुरलीधर ओझा, राजस्थान की शान। अच्छा आप है? नहीं, वो फोन पे बोला था ना, वो फिल्म स्टार जैसे दिखते है, एकदम हैंडसम, तो मुझे लगा कि आप है मिस्टर ओझा। अरे होटल में आए कस्टमर से ऐसे बात करते हो? इसीलिए रेस्टोरेंट खाली है। सॉरी सॉरी, नहीं मतलब आप भी वैसे दिखते हैं फिल्म स्टार। देखा? हाँ, वो बाजू में खड़े रहते हैं रामू काका। एक मिनट, लेकिन ये घोटाला किधर है मैन? हाँ घोटाला मतलब वो 5 जन ना, वो मैचिंग कपड़े पहनने वाली फैमिली। हाँ। देखा ही झालर को, घोटालों को पहचाना, मारे को नहीं पहचाना। नहीं, वो पहले आके प्राइवेट जगह के लिए पूछ रहे थे, इसलिए वो प्राइवेट जगह।
इसलिए इसके लिए पिछली बार वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई थी जो लॉजिकली रॉन्ग था, तो वो गलती हमने इस बार सुधार ली। हाँ, इस बार मिक्सर में बनाई है लस्सी हमने। यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये लस्सी हमने आपके किचन में बनाई है, लेकिन दही तो आपके घर का होगा ना? नहीं नहीं, आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो दुकान है वो दही हमने वहां से खरीदा है। हाँ, तो फिर बाहर का ही हुआ ना। आपको प्रॉब्लम किससे है, बाहर के दही से या घर के दही से? बाहर के दही से ही है, लेकिन कैसा है? अच्छा अच्छा, तो वसन समोसे दे दे। हाँ। समोसे नहीं, नहीं यहाँ बाहर का खाना नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। लेकिन ये समोसे हमने हमारे घर में बनाए हैं। आप ना हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज अलाउड नहीं है, घर की या बाहर की? मिस्टर गोटाला, वर्षा, इनके कहने का मतलब ये है कि होटल से बाहर का कोई भी खाना अंदर अलाउड नहीं है, दुकान का हो या फिर घर का हो। अंडरस्टैंड? हाँ। इसका मतलब हमने फिर से गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, चलेगा। ओ मैनेजर भाई, बिल में थोड़ा जोड़ लेना ना भाई। अरे लेकिन वो हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक। वैसे भी होटल तो खाली जा रही है आपकी, क्या बाबा? हाँ बाबा। रामू काका, टेबल सर्व कर लो। ओए शेरो, ओए अब तो पेट में चूहे हाथ पैर जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि भूख लगी है, रोटी दे दो और जल्दी खिला वरना मैं फैंट्स हो जाऊंगा। ओए मोंटी। हाँ, सही बोला कि नहीं फैंट्स? ओ परफेक्ट्स वीर जी, परफेक्ट्स। ओए मोंटी। हाँ जी। माचिस देखी? नहीं। ओए होए भौजी, मैं यूं गया हूँ। आ पुत्र जा ना, बेबी ना। तू कब तक पूछती रहेगी? तू आराम कर, मैं पूछ लेता हूँ। और टोनी, माचिस देखी तूने? टिट्टू भैया, पूछने से क्या होगा, लेकर आनी चाहिए, मैं तुरंत लेके के आता हूँ। और माचिस नहीं मिली ना तो आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। ओए फसूडी, उसके लिए भी तो माचिस लगेगी ना। हाँ, काम करते हैं, दुनिया बाद में जलाना, पहले वो स्टोव जलाना। उतर, बहुत भूख लगी, जा जा। माचिस है? नहीं। तो चूल्हे के सीने की जलन से जला है तूने? क्या? अरे बेबे को अपना ही स्टोव जलाना है, समझा क्या? बेबे। ओए टोनी, आजा आजा, मिल गई माचिस। हाँ हाँ, आजा आजा, बैठ। ए बंजी, ए बंजी, ये क्या कर रही हो? है चलो बुझाओ स्टोव। ओ तेरी, क्यों गैस चूल्हा ला के दे रहा है तू मुझे? ओ एक मिनट, क्या बात हुई वॉचमैन जी? ओ भाई साहब, वॉचमैन नहीं, पुलिस हवलदार हूँ, समझे क्या? और ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ स्टोव जलाना मना है। अच्छा, मैं आ इधर। ओ आ, और ठेले वाले ने तो जलाया है? बहन जी, वो उसका धंधा है। अच्छा, बिना लाइसेंसेस के? दिखा मुझे सरकारी पार्टियां, दिखा। तू क्या समझता है ओए, गांव से आए तो गवारे हम? ए बहन जी, तमीज से बात करो। तमीज की तो क्या? ना बेबे ना,
तू कब तक धमकाती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं धमका देता हूँ। ओए ना ओए, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेफ्ट हैंड में। मुझसे बात कर, भागता है तू? मैं कहाँ भागा? मैं तो खड़ा हूँ। हाँ हाँ तू भाग, ताकि मैं बोल सकूँ। गिद्धर की मौत आती है तो। एक मिनट। कुत्ते भी शेर बन जाते। ओए पसूड़ी तू रहन दे ना, तेरी कहावत है। एक मिनट इधर इधर। ओ दार जी, क्या कि हम नए आए हैं आपके शहर में, हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, शायद वो गलती होगी हमसे, माफ कर दीजिए। अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप भी जाइए, जाइए आप, जाइए। ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ओए हम लोग किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। आज तू खाना पकाई मत, आज तू छुट्टी ले ले, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। रोटी ऐसे तोड़ के, ऐसे दाल में डुबो के, ऐसे शाबाश। अगर आज शाम तक उनका पता नहीं चला तो तुम्हारी जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में है। और सर, और तुम्हारी जिंदगी तो उनका अता पता मिला तो भी खतरे में है। तुम यहां से हिले क्यों? सॉरी सर। सॉरी, पता करो कि इन दिनों मुंबई में कौन से कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कहाँ टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, और ये एलियंस मुंबई में किस टैलेंट कॉन्टेस्ट का बहाना बनाकर मुंबई में अपना कौन सा जाल बिछाने वाले, समझे? लेट्स गो। यस सर। ये देख पंजाबी होटल, चलो इधर खाना खाते।